डेली इनको 10 मिनट करना है, फिर आप देखेंगे काफ़ी तगड़े रिजल्ट मिलेंगे। आप ऐसा करना कि आप फर्स्ट डे अपनी नोज़ की फ़ोटो क्लिक कर लेना। है व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ राजवीर। आज मैं बताऊंगा मैंने अपनी नोज़ को कैसे स्लिम करा। हाँ, मेरी भी नोज़ काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, उस पर फैट बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे पकौड़ा वाली नाक भी कह के पुकारा जाता था। मैं आपको सिंपल ऐसी 3 एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करके अपने घर पर अपने नोज़ को काफ़ी हद तक स्लिम कर सकते हो, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप सर्जिकल वे में जा सकते हो, लेकिन उसमें पैसा आपका बहुत सारा खर्च होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपके सिर्फ 20 रुपये लूँगा, आपकी नोज़ घर पर ही स्लिम हो जाएगी। मैं नहीं लूँगा, आप अपनी नोज़ पर खर्चा करोगे ना, तो आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी विक्स वेपोरब की। आपको 20 वाली विक्स वेपोरब लानी है, और अब मैं बताऊँगा कैसे एक्सरसाइज को फॉलो करना है जैसे मैं करूँगा। तो इस विक्स वेपोरब का थोड़ा सा अमाउंट लेना आपकी फर्स्ट फिंगर में, लाइक दिस। अब एक्सरसाइज नंबर 1, हम अपने नोज़ के मसल को एक्टिव करेंगे, जिसकी मदद से हमारे नोज़ का फैट ईजिली रिमूव होगा। मेरी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ, सेम इसी तरह आपको करना है, लाइक दिस, टैप टैप करके। सेम इसी तरह आपको करना है 1 मिनट तक। इस एक्सरसाइज से ये होगा जो आपकी नोज़ के मसल है ये एक्टिव होंगे, जिसकी मदद से आपके नोज़ का जो फैट है, नोज़ के पास फैट है जिसकी वजह से आपकी नोज़ मोटी है, वो फैट ईजिली रिमूव हो जाएगा, तो आपकी नोज़ जाहिर सी बात है स्लिम होगी। हमने अपने नोज़ के मसल को एक्टिव कर लिया, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर। जो अमाउंट आपकी फिंगर्स पे था वो रहने दें आप, अब हम करेंगे ये एक्सरसाइज, यहाँ पर रखना है, ये देखिए। फिर आपको अप और आपको जो माउथ होगा वो बनाना आपको, और ऊपर की साइड आपको अपने फिंगर्स को ले जाना है। ये भी आपको 1 मिनट करना है, इससे आपकी जो नोज़ का फैट है वो अप होकर रिमूव होगा ईजिली। हमने अपने नोज़ के मसल को एक्टिव कर लिया, हमने अपने नोज़ के फैट को रिमूव कर लिया, अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। इस एक्सरसाइज में अपने नोज़ का ये मिड एरिया होता है, इसको हम अप करेंगे, जिससे हमारी नोज़ शार्प और थिक दिखे। सिंपल आपको फर्स्ट फिंगर और अपना थंब से अपने नोज़ की इस तरह प्रेस करना है, और फिर इस फर्स्ट फिंगर से अपने ये नोज़ के मिड एरिया को अप करना है, लाइक दिस। और इस तरह आपको 1 मिनट तक होल्ड करना है, और इन तीनों एक्सरसाइज को आपको मिनिमम 1 मंथ तक करना है, डेली इनको 10 मिनट करना है, फिर आप देखेंगे काफ़ी तगड़े रिजल्ट मिलेंगे। आप ऐसा करना कि आप फर्स्ट डे अपनी नोज़ की फ़ोटो क्लिक कर लेना, फिर आप अपने नोज़ की 30 डेज़ की फ़ोटो देखना, काफ़ी डिफरेंट दिखेगा, आपको रिज़ल्ट दिख जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। लव यू।